हेलो नमस्कार दोस्तों, 12 फरवरी 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के साथ एक मेंस का क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मेंस का क्वेश्चन कौन सा है। तो ये हमारा आज मेंस का क्वेश्चन है, GS2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन में आपको ये बताना है सबसे पहले कि मेनली जो अभी नीति आयोग के द्वारा एक हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया था, उस इंडेक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या उसमें खामी, मतलब उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से सारे कंक्लूजन, सारे पॉइंट्स बताने हैं, एनालिसिस करना है एक अच्छे तरीके से। 250 वर्ड में आपको इसके बारे में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसके बारे में दो कुछ पॉइंट्स हैं, वो आज एक आर्टिकल है वहाँ से आपको उठाने हैं, और कुछ पॉइंट है वो पीछे भी आर्टिकल हमने डिस्कस किए हैं इसके बारे में, तो वहाँ से भी आप उन पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि देखो एक आर्टिकल में सारे पॉइंट्स वो कभी नहीं आते हैं, तो आपको जहाँ से अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिल रहे हैं इसलिए हमारे डिस्कशन का फायदा यहाँ पर यूज़ होगा भी, कि हमने जहाँ जो भी डिस्कस किया है उसका हम क्या क्या अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन है, यूज है वो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हमारे डिस्कशन की तरफ। तो आज देखो जो आर्टिकल्स हैं, एक बार देखते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ये सबसे पहला जो आर्टिकल यहाँ पे आया, ये मेरे नीति आयोग के बारे में आया कि हेल्थ इंडेक्स है, इसमें क्या क्या खामी और किस तरीके से गवर्नमेंट को और अच्छे स्टेप उठाने होंगे। तो ये पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में यहाँ ये जो आर्टिकल बड़ा आर्टिकल मेन पेज पे, इस आर्टिकल में मैंने लिया है मालदीप के बारे में कि इंडिया को मालदीप में इंटरवेंशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब इंडिया को वहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो मेनली जो राइटर है इस बार आज के इस आर्टिकल में वो ये कह रहे हैं कि इंडिया को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि वो इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, उससे इंडिया के इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है उन चीज़ों को। इसके बाद में यहाँ पर ये जो नीचे आर्टिकल है, ये आर्टिकल मेनली ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है वो क्या गया है स्टॉक एक्सचेंज पे, कि भाई फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इंडिया के जो स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी है वो बंद की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। क्योंकि वहाँ पे अगर इंडिया की फैसिलिटी, अगर फॉरेन कंट्रीज़ में इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की फैसिलिटी दी जाएंगी तो फिर इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मतलब तो उनकी जो स्पेशल क्वालिटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर ही रहनी चाहिए, इसलिए बाहर जिनको है उसको लेकर आर्टिकल है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर ये जो आर्टिकल है मेनली, इस आर्टिकल के अंदर काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं। इसमें यह है कि जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम आई है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट को क्या क्या चेंजेस करने चाहिए और गवर्नमेंट के लिए वो एक चैलेंजिंग टास्क क्यों है, कि गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में उसे अलाउ तो किया है बट उसमें देखेंगे हम कि क्या क्या गवर्नमेंट के लिए काफी बड़ी चुनौती भरे काम हो सकते हैं, तो ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद में ये जो आर्टिकल है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, तो यह मेनली बांग्लादेश के बारे में है कि बांग्लादेश के अंदर वहाँ पे भी अपोजिशन की पार्टी के जो लीडर हैं उनको अभी एक्चुअली आपको पता है कि 5 साल की सज़ा सुना दी गई है, तो उसको लेकर आर्टिकल, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों के रिलेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं GS2 के लिए, तो वहाँ पे इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। बट आज नहीं करेंगे, हम इसको डिस्कस है वो कल करेंगे, क्योंकि आज काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। और यहाँ पे ये आर्टिकल है मंडे को आता है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं नहीं। इस आर्टिकल में मेनली ये बताया गया कि लास्ट द हिंदू के एडिटोरियल लास्ट वीक के उसमें कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या बातें कही गई थी, नीचे वाला आर्टिकल वो भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अब देखते हैं, हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको PDF है वो आपको बता रहा हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप हिंदी में रिटर्न नोट्स के PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो क्वेश्चन फॉर्म है वो आपको वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। वेबसाइट पे आप जाके सब्सक्राइब का ऑप्शन है, वहाँ पे आप वेबसाइट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं हम डिस्कशन की तरफ। आज थोड़ा गला ख़राब है एक्चुअली, कोल्ड की वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है इसलिए हम ज़्यादा देर डिस्कस नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो पहला ये आर्टिकल है मेनली ये हेल्थ इंडेक्स के बारे में है कि हेल्थ इंडेक्स है नीति आयोग ने भी जारी किया है पहला हेल्थ इंडेक्स, उसमें काफ़ी अच्छी बात है उसको लेकर डिस्कस किया गया है। आर्टिकल ये कह रहे हैं कि भाई देखो नीति आयोग के द्वारा ये हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है, ये बहुत बढ़िया बात है, बट इसमें काफ़ी कुछ खामियाँ भी हैं और काफ़ी चीज़ों को कंसिडर भी किया गया। तो पहले देखते हैं कि क्या क्या अच्छी बातें हैं। तो मेनली राइटर कह रहे हैं कि नीति आयोग ने जो हेल्थ इंडेक्स जारी किया है इसको 3 कैटेगरी के आधार पर डिवाइड किया गया है। पहला डिवाइड किया गया कि बड़े स्टेटों को अलग रैंक दी गई है, 21 हैं वो बड़े स्टेट्स रखे गए इसमें, और उसके बाद में रखे गए कि 8 स्टेट्स हैं वो छोटे स्टेट्स को रखा गया है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में मेनली गोवा भी उसमें शामिल है। इसके बाद में बात आती है वो आती है यूनियन टेरेटरी की, यूनियन टेरेटरी को तो 3 कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी में 21 स्टेट है, दूसरी में 8 स्टेट हैं और तीसरी में यूनियन टेरेटरीज हैं। तो इनके आधार पे तो जो बड़े राज्य हैं एक कैटेगरी रखी गई है, इसमें केरल को फर्स्ट रैंक मिली है और उसके बाद मिली है पंजाब और तमिलनाडु को रैंकिंग है। इसके बाद में 8 स्टेट की जो बात आती है, इसमें मिजोरम है उसको सबसे अच्छी रैंकिंग मिली है और यूनियन टेरेटरी में लक्षद्वीप को अच्छा रिजल्ट है वो मिला है। तो ये तो मेनली बेसिक पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैरामीटर कि कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिसके आधार पर नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। देखो हेल्थ इंडेक्स मेनली नीति आयोग ने इसलिए जारी किया है ताकि स्टेट्स के अंदर जो वहाँ की हेल्थ है उसके बारे में चल सके कि भाई स्टेट और हेल्थ पे किस तरीके से फोकस कर रहे हैं, कितना कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फालतू की फॉर्मेलिटी वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पे कि हेल्थ के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ है नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया नहीं किया, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे फोकस किए गए हैं। तो जो पैरामीटर है वो देखते हैं, पैरामीटर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें मेनली जो पैरामीटर हैं वो 6 पैरामीटर हैं, वो एक तो है वो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब
जो डिलीवरी है वो हॉस्पिटल्स वगैरह में हो रही है या नहीं हो रही है, पहला उस चीज़ को फोकस किया गया। इसके बाद में फोकस किया गया कि टीबी ट्यूबरक्लोसिस है उसकी रिपोर्ट हो रही है नहीं हो रही टाइम टू टाइम। इसके बाद में फोकस किया गया एचआईवी की मेडिसिंस कि एचआईवी की जो मेडिसिंस हैं वो टाइम टू टाइम डिलीवर की जा रही हैं या नहीं की जा रही। इसके बाद में आता है कि इम्यूनाइजेशन लेवल कि लोगों का इम्यूनाइजेशन लेवल कैसा है और गवर्नमेंट उसके लिए कैसे स्टेप है वो उठा रही है। और इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है पाँचवा छठा पॉइंट जो आता है वो आता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कि गवर्नमेंट कहीं इस तरीके तो नहीं कर रही है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनका खर्चा वो बाहर मतलब उनकी पॉकेट से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इन सारी चीज़ों को फोकस किया गया है। इसके बाद में देखो आईटी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को एक तो जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी होगी। गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी बात है, नीति आयोग ने अपना हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, बट उसके बाद सभी स्टेट्स और यूनियन टेरेटरी को आगे आके अपनी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना होगा और जो भी मतलब कमियाँ हैं इसमें इंडेक्स में उन कमियों को दूर करना होगा। और जो स्टेट काफ़ी पीछे रहे उन स्टेट्स को आगे आने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाने होंगे और जो स्टेट आगे हैं ऑलरेडी उनको भी कुछ सारे स्टेप हैं उठाने होंगे। अब देखो फिर उसके राइटर पॉजिटिव पॉइंट ये कह रहे हैं कि इससे सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अब सभी स्टेट का हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है और उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे खराब रैंकिंग मिली है, उसके बाद में राजस्थान को खराब रैंकिंग मिली है। तो इससे फायदा यह होगा कि जिन स्टेट को रैंकिंग खराब मिली है ना उसके अंदर क्या होगा वहाँ पे अब एक तरीके से कंपटीशन बढ़ जाएगा कि भाई हमें हेल्थ है उसको हेल्थ सेक्टर पे फोकस करना है। और अभी तक क्या हो रहा था हमारे देश में कि इलेक्शन के अंदर क्या है कि हेल्थ को एक मुद्दा नहीं बनाया जाता था क्योंकि हेल्थ के बारे में एक तो गवर्नमेंट है कोई ऐसी स्कीम इस तरीके का कोई इंडेक्स वगैरह जारी नहीं करती थी तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। बट गवर्नमेंट ने इस बार के बजट में ऐसी स्कीम मतलब सॉरी इस बार के जो नीति आयोग ने ऐसा स्टेप उठाया वो काफ़ी अच्छा है, इसलिए क्या होगा कि सभी स्टेट्स में आपस में कॉम्पिटिशन होगा। अब ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन होगा तो सभी स्टेट अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, अगर हेल्थ को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो उन्हें वोट बैंक का नुकसान हो सकता है क्योंकि इस बार इलेक्शन में मुद्दा बन जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा इसका डाटा है ऑफिशियली सामने जारी किया जा रहा है, तो इससे एक स्टेटों में कंपटीशन होगा और स्टेट फेयर ट्रांसपेरेंस मामला होगा ट्रांसपेरेंट और सभी स्टेट आगे आने की कोशिश करेंगे। फिर इसका एक नेगेटिव पॉइंट दिया जाता है, नेगेटिव पॉइंट मेनली ये कहा जाता है कि भाई जिन स्टेट की रैंकिंग काफ़ी अच्छी है जैसे केरल की रैंकिंग बहुत अच्छी आई है तमिलनाडु की तो वो और ज़्यादा क्या इंप्रूव करेंगे, उनकी रैंकिंग में तो बहुत थोड़ा बहुत इजाफा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1% इंप्रूवमेंट हो जाएगा 2% हो जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी इंप्रूवमेंट वो कर पाएंगे, तो उनको क्या करना होगा मतलब उनके लिए तो कोई अच्छा नहीं हुआ ना, उनको भी कुछ ना कुछ नए स्टेप उठाने चाहिए। तो उसके बाद में राइटर ये कह रहे हैं कंक्लूजन के अंदर कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हेल्थ है वो बिल्कुल स्टेट लिस्ट में आता है बट इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फंड है वो देना होगा क्योंकि हमारे देश में हेल्थ की समस्या को ये नहीं कि एक दो लोगों के लिए, हेल्थ एक बहुत बड़ी समस्या है सभी लोगों के लिए है, तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें फंड देना होगा, अकेला स्टेट है वो कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद में बात आती है वो आती है कि जो गवर्नमेंट नेशनल प्रोटेक्शन हेल्थ स्कीम लेके आई है उसमें केवल फाइनेंशियल रिस्क को ही कवर किया जा रहा है ना कि जो प्रिवेंटिव और जो प्राइमरी हेल्थ केयर है उनको फोकस किया जा रहा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मतलब होता है कि बचाव की चीज़ की जो हेल्थ केयर होती है उस पर फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को और प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि देखो अगर बीमारी को होने से रोक लिया जाएगा तो फिर हमें बड़ी बीमारी के लिए खर्चा करना ही नहीं होगा ना, तो पहले गवर्नमेंट को छोटे लेवल पे ट्रीटमेंट कर देना चाहिए ताकि बड़ी समस्या आई नहीं, तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप उठाने होंगे ना। इसके बाद में बात यह है कि गवर्नमेंट को फॉरेन कंट्री की तरह रिवेन्यू टैक्स मॉडल को अपनाना चाहिए, रिवेन्यू टैक्स मॉडल है ना उसको यूज़ करना होगा। अब रिवेन्यू टैक्स मॉडल में ये होता है कि भाई वहाँ पे टैक्स वगैरह हो रहा है कोई भी जैसे इनकम हो रही है उसको टैक्स के थ्रू कलेक्ट करना होगा मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह के लिए ताकि उस पैसे का यूज़ हो केवल और केवल हेल्थ सेक्टर में ही यूज़ किया जा सके, तो ये गवर्नमेंट को कुछ कॉन्सेप्ट है वो स्टेप उठाने होंगे। तो हमने इस आर्टिकल के जो कुछ पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए, अब चलते हैं हम आगे। अगला जो मेनली ये आर्टिकल है इस आर्टिकल में ज़्यादा फोकस किया गया है वो किया गया है वो देख लेते हैं, इसमें मालदीव के बारे में पॉइंट्स हैं तो देखते हैं यह GS2 के लिए इंडिया के रिलेशंस पड़ोसी देशों के साथ कैसे हैं वहाँ इंपॉर्टेंट होता है, तो इस आर्टिकल में कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। देखो स्टार्टिंग थोड़ा बैकग्राउंड से देख लेते हैं, बात ये करते हैं इस आर्टिकल में जो राइटर होते हैं 1940-50 के दशक की कि भाई 1940-50 के दशक में इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पर क्या था, आज़ाद होने से पहले इस वाले जो पूरा एरिया था ये मेनली इस इंडिया के पड़ोसी देशों वाला इस एरिया में किसका था, अंग्रेज़ों का रूल था। तो इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडिया ने क्या किया, अंग्रेज़ यहाँ से सब एरिया से चले गए थे तो इसलिए इंडिया ने क्या किया अपने इस एरिया में हेड होने की कोशिश करने की, भाई हम इस एरिया में हेड हैं। और इंडिया ने क्या किया कि जो श्रीलंका है नेपाल है मालदीव है इनकी सॉवरेनिटी को एक तरीके से वॉयलेट करना शुरू कर दिया कि इंडिया ने भी अंग्रेजों की तरह रूल करना शुरू कर दिया इन स्टेटों को, फिर और लगना लगा इन स्टेटों को कि भाई हमारे अंग्रेज तो चले गए फिर भी इंडिया हमारे साथ एक तरीके से मतलब है ना इक्वल दर्जे का बिहेव वो नहीं कर रहा है, तो वो बात आते हैं सामने। बट उसके बाद में हुआ क्या, उसके बाद में देखो धीरे धीरे चाइना है वो इस मतलब जो
चाइना ने क्या किया, जो ये एरिया है मेनली इंडियन ओशन वाला, इस एरिया में अपना हस्तक्षेप वो बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ओब्वियसली चाइना इस एरिया में अपना हस्तक्षेप वो बढ़ाएगा तो उसका क्या क्या नुकसान होगा, उसका नुकसान इंडिया को तो होना ही होना है। और सेम हुआ है कि इन स्टेटों ने जो इंडिया के पड़ोसी देश ऐसे श्रीलंका ले लो, बांग्लादेश, नेपाल ले लो या मालदीप ले लो, ये सारे स्टेटों ने क्या क्या फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया इंडिया के सामने, तो वो चाइना का अटकने लग गए कि अगर इंडिया उनके लिए अच्छे से इन्वेस्ट नहीं करेगा, इंडिया उनको ढंग से नहीं रखेगा तो चाइना के पास चले जाएंगे। और चाइना के सामने उन्होंने इंडिया का खेलना शुरू कर दिया कि चाइना को ये कहने लगे कि अगर भाई आप हमारे देश में आके इन्वेस्ट नहीं करोगे, आप हमें अच्छी फैसी यहाँ, आप हमारी मतलब आप हमें ज़्यादा फायदा नहीं दोगे तो हम इंडिया के फेवर में चले जाएंगे। तो हुआ क्या, इन दोनों इन जो कंट्रीज हैं मतलब नेपाल हुआ, से श्रीलंका लो, बांग्लादेश हुआ, इन कंट्रीज़ ने क्या इंडिया और नेपाल इंडिया और चाइना कार्ड खेलना शुरू कर दिया। तो उसके बाद ही इंडिया के द्वारा आया हुआ है 90 के दशक में हुआ है गुजराल डॉक्ट्रिन। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में कहा गया कि भाई हम आपकी सोवरेनिटी है उसकी इज्जत करेंगे, हम मतलब आपकी सोवरेनिटी को आगे से कंसिडर एक तरीके से उसका कोई वोलेशन वगैरह वो नहीं करेंगे। इसके बाद में हुआ ये कि अभी देखा जाए तो मालदीप का सीन देखते हैं, तो मालदीप का अभी सीन है कि मालदीप साहब है वो कुछ टाइम से चाइना की तरफ जा रहे हैं, मतलब चाइना के पाले की तरफ जा रहे हैं और वो चाइना कार्ड खेल रहे हैं इंडिया के साथ। अभी हमने देखा था किस तरीके से मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, वहाँ पे काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट है चाइना का, वो लगातार बढ़ता जा रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर राइटर ये कह रहे हैं कि अभी अगर इस माहौल में इंडिया वहाँ पे इंटरवेंशन करता है तो इंडिया को काफ़ी सारे नुकसान भी हो सकते हैं, वो भी हमें देखने होंगे। तो मेनली राइटर का फोकस यही है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि भाई हमें इस तक से वो नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारे पॉइंट्स बताते हैं। तो राइटर सबसे पहले ये कह रहे हैं कि देखो इंटरवेंशन करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इंटरवेंशन करने के बाद जो रिजल्ट आ जाएगा ना, वो रिजल्ट काफ़ी खतरनाक हो जाएगा, मतलब काफ़ी नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक तो एक जनता है वो इंडिया के विरुद्ध हो जाएगी, और वहाँ पे अभी भी कुछ लोग हैं, वहाँ की पार्टी है, वहाँ के जो लीडर हैं यामीन अब्दुल्ला यामीन, उनको भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर जनता इंडिया के विरोध में हो गई तो फिर इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, और फिर वो चाइना के पाले में जा सकते हैं। तो एक तो बात ये आती है, और जनता अगेंस्ट होगी तो इसलिए इंडिया को नुकसान हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो इंडिया को सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा कि भाई इंडिया के जो एक्चुअल इंटरेस्ट है क्या। देखो जब तक इंडिया को ये नहीं पता होगा कि उसके एक्चुअल इंटरेस्ट है क्या, तब तक वहाँ पे इंटरवेंशन करना क्या फ़ायदा, क्योंकि इंडिया को वहाँ कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो इंडिया वहाँ पे क्यों इंटरवेंशन करेगा। तो सबसे पहली बात तो है ना कि इंडिया को वहाँ पे देखना चाहिए कि भाई मेरा फ़ायदा क्या हो रहा है, तभी वहाँ पे हस्तक्षेप करना चाहिए। इसके बाद में अगला पॉइंट आता है, वो आता है कि वहाँ पे कम्युनलिज्म या सांप्रदायिकता का माहौल बढ़ सकता है। क्योंकि देखो मालदीव की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वह है मुस्लिम, और इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन है हिंदू, तो क्या होगा ये मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर कुछ पाकिस्तान जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं इसको उल्टा सीधा फैला सकती हैं, जिससे इंडिया के इंटरेस्ट मतलब हर्ट हो सकते हैं, और जो मालदीप है वो चाइना के पाले में जा सकता है, या फिर चाइना के पाले में भी नहीं जाएगा तो मुस्लिम बोर्न कंट्रियों की वहाँ पे वैल्यू बढ़ जाएगी और पाकिस्तान को इस चीज़ का फायदा मिल सकता है। तो इसलिए इंडिया को काफ़ी सोच समझ के आगे स्टेप उठाना होगा। अगली बात क्या आती है कि देखो इंडिया को अभी तक डायरेक्टली इन्वाइट नहीं किया गया है। इससे पहले अब देखते हैं ऑपरेशन कैक्टस की बात आती है, आज हमने प्रीलिम्स के वीडियो में डिस्कस किया था। तो ऑपरेशन कैक्टस है वो इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि उस टाइम पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है मालदीप ने, उसने इनवाइट किया था इंडिया को कि भाई आप यहाँ आइए और हालात को सुधारिए। बट अभी तक यहाँ की गवर्नमेंट ने इन्वाइट नहीं किया है, केवल वहाँ के जो पहले के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इंडिया को भी इनवाइट किया, तो वो कोई वैलिड रीजन नहीं है। अब जब तक वहाँ की करंट गवर्नमेंट इंडिया को इन्वाइट नहीं करी कि भाई आप यहाँ क्या यहाँ मालदीप आइए और यहाँ हस्तक्षेप करके मामला है वो शांत कीजिए, तब तक इंडिया को ऐसे स्टेप नहीं उठाने चाहिए, अदरवाइज इंडिया के लिए कुछ खतरे ही हो सकते। तो मेनली राइटर के द्वारा ये चार खतरे बताए गए कि इंडिया को हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहिए। तो हमने देख लिया, पहला खतरा था कि आउटकम काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, अगला था कि इंडिया के इंटरेस्ट अभी तक फिक्स नहीं है तो इंडिया को अपने इंटरेस्ट देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे स्टेप उठाना है। अगली बात यह कि वहाँ पर सांप्रदायिकता कम्युनलिज्म का माहौल बढ़ सकता है, हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं वो हो सकते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसके बाद में आता है कि इंडिया को डायरेक्टली इन्वाइट किया नहीं गया अभी तक, तो इसलिए चार पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इंडिया को वहाँ पे एक तरीके से अभी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं हम अगले आर्टिकल तक। अगला जो आर्टिकल है हमारा, एक सेकेंड थोड़ा, अगला जो आर्टिकल है इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस करना है, ये मेनली GS2 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसमें नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के बारे में डिस्कस किया गया है कि भाई नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट के लिए क्योंकि वो एक चैलेंजिंग टास्क वो बन रही है। तो राइटर सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारे इस बार के 2018 के जो बजट है गवर्नमेंट ने, उसमें काफ़ी अच्छा प्रावधान रखा है हेल्थ को लिए, बहुत अच्छी तारीफें लायक कदम है गवर्नमेंट का कि भाई 10 करोड़ के जो 10 करोड़ फैमिली है इंडिया की, मतलब 10 करोड़ लोगों को एक्चुअली गवर्नमेंट है वो 5 लाख हर साल के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस वो प्रोवाइड कर रही है, मतलब हर साल उनको 5 लाख तक का सपोर्ट मिलेगा अगर उनकी हेल्थ वगैरह कोई भी इशू होता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप बहुत अच्छा उठाया गया राइटर कह रहे हैं, बट कह रहे हैं कि राइटर का ऐसा कहना है कि इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है। क्यों चैलेंजिंग टास्क है वो अभी यहाँ पे देखें
देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। चुनौतियाँ कौन कौन सी है पहले वो देखते हैं। गवर्नमेंट के सामने काफ़ी बड़ी चुनौतियों में एक तो है कि एक तो फंड की कमी है। गवर्नमेंट को इसके लिए काफ़ी सारा फंड चाहिए, क्योंकि देखो अगर अच्छी हेल्थ अगर स्कीम मिली जाएगी तो उसके लिए काफ़ी अच्छा फंड गवर्नमेंट को वो रखना होगा। क्योंकि देखो अगर कोई भी हेल्थ रिस्क को कवर करना है, बीमा वगैरह में अगर कवर करना है तो उसके लिए प्रीमियम देना होता है। हम कोई भी इंश्योरेंस कहते हैं तो उसके लिए हमें कम से कम एक प्रीमियम अमाउंट देना होता है। तो जब तक गवर्नमेंट अगर प्रीमियम अमाउंट अच्छा नहीं देगी, तब तक जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वो उस फंड की भरपाई नहीं कर पाएंगे। मतलब बात यह है कि जब तक गवर्नमेंट प्रीमियम अच्छा नहीं देगी, तब तक वो अच्छी फैसिलिटी वो प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। तो गवर्नमेंट को प्रीमियम है वो अच्छा खासा देना चाहिए। इसके बाद में बात यह आती है कि अभी तक हमारे देश में कुछ लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है वो ऑलरेडी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा जो स्कीम चलाई गई थी गवर्नमेंट की 30,000 की, वो अभी तक कुछ लोगों के पास है। तो उस चीज़ का भी कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में 5 लाख तक की स्कीम का फायदा उठाना भी फायदेमंद, मतलब अभी फायदेमंद नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ भी इन्वेस्ट कर रही है, यहाँ भी इन्वेस्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट का खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके बाद में बात यह आती है कि देखो क्या है, कई बार क्या है कि कंपनी है ना वो पूरा क्लेम नहीं करती है। ये आप खुद भी जानते हो, किसी आपने कोई भी हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम ले रखी है, हेल्थ केयर स्कीम, अगर आपने उसके लिए कोई भी क्लेम किया, आपको किसी को भी कोई मतलब ट्रीटमेंट वगैरह लिया होता है, उस कंडीशन में अगर वो मेडिकल क्लेम करते हैं तो मेडिकल क्लेम में वो पूरा क्लेम नहीं करते। जैसे 50,000 का आपने क्लेम किया, अगर 50,000 का क्लेम करते हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 50,000 के 50,000 को पूरा दें। वो क्या कि कुछ खर्चे काट देते हैं कि भाई ये इसमें इस स्कीम में शामिल नहीं है तो ये खर्चे आपको नहीं देंगे। तो कटपिट की वो अप्रोक्सीमेट 30,000 के आसपास ही वो रिटर्न करते हैं। तो के लिए कह रहा है कि जब तक गवर्नमेंट अच्छा इन्वेस्ट नहीं करेगी इसके अंदर, तब तक अच्छा रिजल्ट वो नहीं आने वाला। तो गवर्नमेंट अगर प्रीमियम बहुत अच्छा देगी तो क्या होगा, तो प्राइवेट कंपनीज को ऐसा लगेगा, वो प्राइवेट कंपनी छोटी छोटी बातों को इंक्लूड कर सकती हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। क्योंकि गवर्नमेंट अगर देखो 10 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस देनी है, अगर 10 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख का बीमा रखा जा रहा है तो ऑब्वियसली प्रीमियम वो काफ़ी अच्छा खासा होगा। और अच्छा खासा प्रीमियम होगा तो गवर्नमेंट इसके लिए इतना खर्चा वो भी अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी इंडिया डेवलपिंग स्टेज में है तो इंडिया के लिए काफ़ी चुनौती बड़ा काम हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो एक पर्सनल इंसान या इंडिविजुअल की तरफ ज्यादा फोकस करती है। जैसे एग्जांपल है, देखते हैं कि कोई भी एक इंसान को अगर प्राइवेट कंपनी में अपनी खुद ही अलग बीमा लेता है, वो क्या करते हैं तो कंपनी उसको अच्छे से फैसिलिटी देती है कि हाँ भाई उसने प्रीमियम भी अच्छा खासा दिए हैं तो उसके लिए ढंग से फैसिलिटी वगैरह मिलेंगी। बट अगर वहीं गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट तो बल्क में प्राइवेट कंपनियों से या किसी कंपनी से खरीदेगी कि हाँ भाई आप हैं, हमें इतनी बीमा चाहिए इतने लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट क्या बल्क में सस्ते में खरीदेगी। अब ऑब्वियसली जहाँ सस्ते में काम होगा वहाँ तो एफिस क्वालिटी है वो ऑब्वियसली डाउन होगी। तो क्वालिटी डाउन होगी तो उसका मतलब क्या हुआ कि अच्छी हेल्थ केयर सर्विस वो नहीं मिलेंगी। तो अच्छी हेल्थ केयर सर्विस नहीं मिलेंगी तो इसलिए गवर्नमेंट के लिए फिर चैलेंजिंग टास्क होगा। तो राइटर के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कुछ पॉइंट्स देखें कि भाई सरकार के लिए ज़्यादा खर्चा है, सरकार के लिए ज़्यादा खर्चा होगा और सरकार के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टास्क हो गए कि गवर्नमेंट इस टारगेट को अचीव करें। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है यहाँ पे, वो पॉइंट आता है कि गवर्नमेंट को अभी अच्छा सारा फंड है वो यूज़ करना होगा, गवर्नमेंट को खूब सारा फंड इसके लिए एलोकेट करना होगा। इसके बाद में बात राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट है अच्छी बात कि हेल्थ केयर पे इन्वेस्ट कर रही है, बट राइटर का एक सुझाव ये दिया जाना है कि भाई आप गवर्नमेंट को प्राइमरी और जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उस पर फोकस करना होगा। प्राइमरी जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि अगर छोटे गांवों के अंदर छोटे लेवल पे अगर स्टार्टिंग में ही अगर कोई डिजीज़ होती है, अगर उसको वहीं पे कंट्रोल किया जाता है, वहीं पे अगर अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट दिया जाता है तो फिर बड़ी बीमारी होने से रोका जा सकता है। प्रिवेंटिव का मतलब है कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए गवर्नमेंट को पहले कैंपेन वगैरह चला देने चाहिए ताकि डिजीज़ हो ही ना। तो अगर गवर्नमेंट पहले ही अगर ऐसा कुछ खर्चा कर देती है तो गवर्नमेंट को ऐसी हेल्थ कवरेज वगैरह पर ज़्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं होगी। तो राइटर का यही कुछ सुझाव है वो दिया जा रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। Thank you very much for discussion.